दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद निकली हल्की धूप, आसमान में छाए हैं बादल। मौसम बारिश से गिरा पारा, कई इलाकों में जल जमा। तड़के शुरू हुई बारिश, दिल्ली के बारापुला फ्लाईओवर पर जमा हुआ है पानी। दिल्ली के आसपास के इलाकों में हो रही है बरसात, रोहतक में तापमान 12 डिग्री नीचे गिरा। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा के कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश का अनुमान। मनाली में फिर बदला मौसम का मिजाज, बर्फबारी ने सड़क पर गाड़ियों के चलने में मुश्किलें पैदा की। मनाली में ताजा बर्फबारी से सैलानियों की बड़ी मुसीबत, अटल टनल के पास फंसी कई गाड़ियां। शिमला में आईएमडी ने अगले 48 घंटे में बारिश और बर्फबारी होने की जताई आशंका, बढ़ सकती है ठंड। बद्रीनाथ में फिर बदला मौसम का मिजाज, बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से शुरू हुई बर्फबारी। 27 अप्रैल को खुल रहे हैं बद्रीनाथ धाम के कपाट, बारिश की वजह से तैयारियों में रुकावट। कानपुर के कपड़ा बाजार में लगी आग पर काबू पाना मुश्किल, 4 दिन बाद भी जुटी है टीम। दमकल की 60 गाड़ियां, 3 हाइड्रोलिक फायर फाइटर आग बुझाने की मुहिम में, एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद। 800 से 100 दुकानें आग की चपेट में, 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, इमारतों के गिरने का खतरा। ओडिशा के क्योंझार में बाजार में आग, 200 से ज्यादा दुकानें आग की चपेट में। कोयम्बटोर में बेड और सोफा बनाने वाली कंपनी में आग, आग पर काबू पाना हुआ मुश्किल। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रही है हिंसा, उगली के रिसरा में बीती रात फिर हुआ विवाद, रेलवे स्टेशन के बाहर उपद्रवियों की सुरक्षा बलों से झड़प। रिसरा रेलवे स्टेशन पर रात 10 बजे से रुकी हैं ट्रेनें, एलसी गेट बंद नहीं होने से हावड़ा बंदेल रूट बाधित, अब सामान्य है हालात। रिसरा रेलवे स्टेशन पर गूंजे जय श्री राम के नारे, बड़ी संख्या में जुटे लोग। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को हिंसा केस में कटघरे में खड़ा किया, कहा भगवा पार्टी ने जानबूझकर बिना अनुमति के जुलूस के साथ अल्पसंख्यकों के क्षेत्र में प्रवेश किया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने कहा बीजेपी के लोगों ने ना पत्थर चलाए ना बम फेंका, ऐसा किसने किया ये देखा जा सकता है। हिंसा मामले में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल पुलिस पर उठाई उंगली, सुकांत मजुमदार ने पुलिस पर पथराव कर लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार आज श्रीरामपुर में करेंगे धरना प्रदर्शन, रामनवमी की शोभा यात्रा पर हुए हमले का करेंगे विरोध। बीजेपी उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा पश्चिम बंगाल इस वक्त बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसा हो गया। बीजेपी सांसद लोकेट चैटर्जी का आरोप सीएम ममता मुस्लिम वोट बैंक के लिए कर रही है तुष्टिकरण की राजनीति, रमजान रोजा पर दे रही है ध्यान, नवरात्रि और रामनवमी जैसे हिंदू त्योहारों की परवाह नहीं। बीजेपी सांसद लोकेट चैटर्जी ने सीएम ममता से मांगा इस्तीफा, मौजूदा पश्चिम बंगाल की पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के पुराने दौर से कर दी तुलना। हुगली में कल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, शोभा यात्रा पर हुए हमले को लेकर राज्य सरकार को घेरा। शिवसेना नेता संजय राउत का बयान, बंगाल में हो रही हिंसा बीजेपी द्वारा प्रायोजित और नियोजित है। बिहार में हिंसा पर सियासत के बीच इफ्तार पार्टी में शामिल हुए नीतीश कुमार, बैकग्राउंड में लाल किले की दिखाई दी झलक। बिहार शरीफ हिंसा में 140 से ज्यादा गिरफ्तारियां, कई आरोपी नाबालिग, वीडियो फुटेज के आधार पर हो रही है गिरफ्तारी। बिहार शरीफ में धारा 144 लागू, स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक बंद, इंटरनेट सेवा पर रोक, बड़ी संख्या में फोर्सेज की तैनाती। सासाराम में उपद्रवियों से निपटने के लिए प्रशासन की छापेमारी, अब तक 43 गिरफ्तार, एसएसबी की 2 कंपनियां, आरएएफ की 1 कंपनी को उतारा गया। रामनवमी के अवसर पर बिहार में हुई हिंसा के बाद सासाराम में 4 अप्रैल तक इंटरनेट सेवा बंद, पलायन की खबर को प्रशासन ने बताया अफवाह। बिहार शरीफ के बाजार में मिली एक 50 वर्षीय व्यक्ति की लाश, जांच में जुटी पुलिस। अंबाला में 9 साल की बच्ची पर पिटबुल कुत्ते ने किया हमला, घटना सीसीटीवी में कैद। ग्रेटर नोएडा में जन सुविधा केंद्र में 2 बदमाशों ने की लूट, सीसीटीवी में कैद हुई लूटपाट की घटना। राजस्थान के भीलवाड़ा में टीकाकरण के बाद बच्चे की मौत, आक्रोशित लोगों ने स्वास्थ्य केंद्र के बाहर प्रदर्शन किया। गुरुग्राम में पुलिसकर्मी को धमकी देने के आरोप में युवक गिरफ्तार, फोन पर की थी बदसलूकी।
नियाज अहमद, मोहम्मद सजर, कैश अहमद, राकेश कुमार और अरशद कटरा से पूछताछ, रिमांड पूरी होने के बाद दोबारा कोर्ट में होगी पेशी। दिल्ली पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी, देश से फरार हुए टॉप गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को मैक्सिको के पास पकड़ा गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है दीपक, बिश्नोई के नेटवर्क ने भारत से भागने में की थी मदद। राजस्थान के टोंक में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 30 घंटे ऑपरेशन चलाकर 1074 बदमाशों को पकड़ा गया। भिवानी दौरे के दौरान हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम में लिया हिस्सा, सुनी लोगों की समस्याएं। भुवनेश्वर में सरकारी शिक्षकों ने किया प्रदर्शन, राज्य सरकार से मांगे पूरी होने की लगाई गुहार। सहरसा में पूर्व सैनिकों ने पेंशन से जुड़ी कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, डीएम को सौंपा ज्ञापन। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पूर्व सैनिकों का आंदोलन, कहा केंद्र में वरिष्ठ मंत्रियों ने आश्वासन देकर दिया धोखा। पठानकोट की बेटी को मिली जनरल बिपिन रावत ट्रॉफी, खुशी पठानिया बेस्ट वुमेन अग्निवीर घोषित। सीकर में महावीर जयंती पर भव्य शोभा यात्रा, ड्रोन से की गई पुष्प वर्षा। जमशेदपुर में महावीर जयंती पर दिखा आस्था का सैलाब, ऊंट और घोड़े पर निकाली गई भव्य झांकी। पाली में महावीर जयंती पर पर्यावरण बचाने का संदेश, इलेक्ट्रिक स्कूटर पर निकाली गई शोभा यात्रा। झालावाड़ में महावीर जयंती पर जैन समाज ने निकाली भव्य यात्रा, भारी संख्या में महिलाएं बच्चे और पुरुष हुए शामिल। अंबाला में महावीर जयंती के मौके पर निकली शोभा यात्रा, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज शामिल। सीकर में महावीर जयंती पर भव्य शोभा यात्रा, ड्रोन से की गई पुष्प वर्षा। अयोध्या में शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा, यूपी पर्यटन विभाग की इस पहल से श्रद्धालु खुश। अलीगढ़ में पूर्व फौजियों का प्रदर्शन, एक समान पेंशन की मांग। डीयू के आईपी कॉलेज में लड़कियों से छेड़छाड़ मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन, एक हफ्ते में आएगी रिपोर्ट। मोतिहारी में निकली भगवान राम की शोभा यात्रा, सैकड़ों की संख्या में राम भक्तों ने लिया हिस्सा। गुरदासपुर में अपनी मांग को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन, विरोध में रेलवे ट्रैक पर खड़ा किया ट्रैक्टर। मथुरा में बारिश की फसलों को नुकसान पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत, किसानों को सरकार दे उचित मुआवजा। बक्सर में चौसा पावर प्लांट के विरोध में हाईवे पर बैठे किसान, कहा नहीं मांगी गई तो होगी बड़ी कार्रवाई। सोनीपत में बेमौसम बारिश से फसलों को हुआ भारी नुकसान, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। उधमपुर में कांग्रेस की जय भारत सत्याग्रह पद यात्रा, केंद्र सरकार पर राहुल के अयोग्य ठहराने की साजिश रचने का आरोप मढ़ा गया। राहुल की संसद सदस्यता खत्म होने के विरोध में बिहार के समस्तीपुर में सत्याग्रह की शुरुआत, कांग्रेस नगर कमेटी ने सदस्यता बहाली की मांग की। बाड़मेर में जिला स्तर पर कांग्रेस का बड़ा शक्ति प्रदर्शन, 6 अप्रैल को मुख्यमंत्री करेंगे जय भारत सत्याग्रह का आगाज। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री से संसद भवन में की मुलाकात, निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति और तैयारियों से कराया रूबरू। यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में खुलकर बोले अखिलेश यादव, कहा अब वो हमारे साथ हैं इसलिए डबल इंजन की सरकार को हो रही है परेशानी। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने G20 प्रतिनिधियों के साथ सूर्य मंदिर का किया दौरा, सजावट में की गई लाइट और साउंड शो देखा। झारखंड के छतरा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, कई कुख्यात नक्सलियों को उतारा गया मौत के घाट। राजस्थान के करौली में प्रभात फेरी का आयोजन, जरूरतमंदों को बांटी गई जरूरत की सामग्री। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में रामनवमी के अवसर पर उत्पात मचाने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन, 27 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। मध्यप्रदेश के छात्रवृत्ति घोटाले मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार, जवाब न पेश करने पर 25,000 रुपए का जुर्माना। शिमला में युवा कांग्रेस ने शुरू किया जवाब दो मोदी जी पोस्ट कार्ड अभियान, इस दौरान जमकर साधा केंद्र सरकार पर निशाना। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया फतेहपुर जिले का दौरा, अपराध के खिलाफ दिए बड़ी कार्रवाई के आदेश।